स्थानीय सिविल अस्पताल में राष्ट्रीय कैंसर चेतना दिवस के मौके पर करवाए गए समागम में बतौर मुख्य अतिथि सुरजीत कुमार जियानी ने शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि होशियारपुर और फाजिलका जिलों में 50 बेड वाले ट्रेसिंग कैंसर केयर सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे इस बीमारी से पीड़ित लोगों को इलाज की अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं सेहत विभाग की ओर से मुहैया करवाई जा रही हैं और लोगों को कैंसर की बीमारी के कारणों और उनसे बचाव संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के यत्न भी किए जा रहे हैं। इस दौरान जियानी ने सिविल अस्पताल के अलग अलग वार्डों का दौरा भी किया। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव नवजोत कौर सिद्धू, विन्नी महाजन, हुसन लाल, डॉक्टर करणजीत सिंह, टी अबू मणि, डॉक्टर संजीव शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर आर एल बसंत सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। कैंसर वास्ते भी कि कैंसर किमी होंगी है, जागरूकी करिए। कैंसर अगर पहली स्टेज पे फड़ी जाए, साडा कहना लोगों को यही है कि अगर किसी तरह की फोड़ा, कोई फुंसी, किसी तरह का बीमारी नूं भयंकर देख के वह टेस्ट अगर पहले तौर पर करा लिया जाए, आ ना आवे कि मामूली फुंसी ने, चलो हो जूगी, ठीक हो जूगी। ये लोगों असं कहना है कि जांच तुरंत कराई जाए, फर्स्ट एड से इलाज होंगे। और सरकार जी वास्ते बड़ी चिंता करती है, पैसे भी देती है। 16 अस्पताल असी चूज किए, उन्होंने हॉस्पिटल से चले जा, कोई प्रॉब्लम जाती एडमिट उत्थे हो जाए, एडमिट करना तो एडमिट कर लेंगे, नहीं तो दवाइया शुरू करते हैं डायग्नोस करके। और अब तक ही हो गए जी जाँच, असी जिन सहायता 18,800 कुछ है। मैं दवाइया पहले इन्हों को लैन आता है, दवाई प्रॉपर मिली, दवाई मैंने सर्टिफिकेट पै गई। और डॉक्टर ने कहा दवाई तू गलत खा रहा, इन्हें दसिया नहीं दवाई खाई जा खाई जा। मैं फिर दवाई बोल बदली, उन्होंने दवाई लिखी महंगी और मेरे को इन्हें पैसे नहीं दिखाई। अच्छा जी, तो हम दवाई मैं इन्हों को लैना साढ़े को नहीं जी, बाहरों तुम्हें भी दवाई की गाई लेनी, बाहरों लेनी तुम फ्री सेवा कभी करते जो 170 पत्ता बाहरों लगा, मैं थोड़े को लैना। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ।